बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सिलिएट्स। व्हाट आर सिलिएट्स? सिलिएट्स क्या हैं? सिलिएट्स आर यूनिसेलुलर। सिलिएट्स यूनिसेलुलर यानी एक सेल पर मुश्तमिल ऑर्गेनिज्म है विच आर विद अ फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग, यानी एक फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग, जिसे हम किसका नाम देंगे? पेलिकन। किसका नाम देंगे? पेलिकन। यानी एक इनकी एक आउटर कवरिंग होगी, उसे हम किसका नाम देंगे? पेलिकन का नाम देंगे। किसका नाम देंगे? पेलिकन। डैट गिव्स देम अ डेफिनेट बट चेंजेबल शेप, यानी कि उसको खास किस्म की शेप देंगे लेकिन चेंजेबल देंगे, यानी कि वो कभी भी बदल सकते हैं। सीलिया बॉडी इज कवर्ड, बॉडी कवर्ड होगी बाय अ थाउजेंड ऑफ द फाइन शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर। थाउजेंड बहुत सारे, तो बॉडी इज कवर्ड, बॉडी कवर है, जिस तरह अगर हम इधर देखें, ये बॉडी इज कवर्ड, कवर्ड है मीन मैनी बहुत सारे बट शॉर्ट, लेकिन शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड ना सीलिया, जिसे हम किसका नाम देंगे? सीलिया। ठीक है, बॉडी इज कवर्ड, बॉडी कवर्ड है बट थाउजेंड बहुत सारे हजारों फाइन ऑफ थाउजेंड फाइन ऑफ बाय फाइन बहुत सारे फाइन शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड है सीलिया, इसे हम किसका नाम देंगे? सीलिया का नाम देंगे। सीलिया इज सीलिया बीट इन सच अ वे, इस तरह से हरकत करेंगे सीलिया डैट के कोऑर्डिनेट पे, इस तरह से इनका कोऑर्डिनेट होगा, इस तरह से रबत होगा डैट द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ओनली गो फॉरवर्ड, ना कि सिर्फ आगे की तरफ हरकत करेगा बट आल्सो बैकवर्ड, बल्कि जो पीछे की तरफ भी हरकत करेगा एंड टर्न अराउंड होगा, बल्कि ये मुड़ भी सकता है, ठीक है, टर्न भी कर सकता है। सीलिया बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल है, जिस तरह ये है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेडलाइक स्ट्रक्चर, थाउजेंड की तरह में होंगे। पहले जैसे हमने पढ़ा था कि सिर्फ चंक एक होंगे लेकिन वो लॉन्ग होंगे, लंबे, लेकिन ये क्या है, शॉर्ट है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर थाउजेंड की तादाद में ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से इनकी जो हरकत है, बीटिंग है, बीट है इनकी, सिलिएट को इस तरह से हरकत करने में मजबूर करेंगे इनको, उसको हरकत देंगे, ना कि वो आगे की तरफ हरकत करेगा बल्कि वो किसकी तरफ फॉरवर्ड, बल्कि वो पीछे की तो बैकवर्ड भी हरकत करेगा, टर्न अराउंड और इर्द गिर्द भी हरकत करेगा। लोकेशन की बात करें, सब सिलिएट्स आर सेसाइल, कुछ सिलिएट के अंदर साकड़ होते हैं एंड रिमेन अटैच टू अ रॉक, एक रॉक के साथ अटैच होंगे, टू अ रॉक, एक रॉक के साथ क्या होंगे, वो अटैच होंगे एंड अदर सरफेस, और दूसरी सरफेस के साथ क्या होंगे, अटैच होंगे। देयर सिलिया सेट अप अ वाटर, इनके सिलिया क्या करेंगे, वाटर को, करंट को इस तरह सेटअप करेंगे डैट के दे ड्रा फोर टूवर्स हम, वो उनकी तरफ क्या लेके आएगी, फूड लेके आएगी, खुराक लेके आएगी। न्यूट्रिशन की बात करें, अगर स्ट्रक्चर को देखें इधर, तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है यहाँ पे, ये देखिए, इसे सिलिया का नाम देते थे, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है, इसका फंक्शन क्या है कि ये पानी को पहले भर जाएगा, फिर उसके बाद ये सिल्वर के करीब आएगा, ये वहाँ से निकाल देगा। पेलिकल है ये, पेलिकल की बात हमने जैसे ऊपर की थी, ये एक फ्लेक्सिबल कवरिंग पर मुश्तमिल है, ये देखिए एक फ्लेक्सिबल, इट इज अ कंसिस्ट ऑफ अ फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग, फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग, फ्लेक्सिबल क्या, किस फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग पर क्या है, मुश्तमिल है, जिसे हम किसका नाम देते थे, सीलिया, जी किसका नाम देते थे, हम सीलिया का नाम देते थे, सॉरी पेलिकल, किसका नाम देते थे, पेलिकल। डाइजेशन की बात करें, अगर हम इनमें दे इंजेस्ट बैक्टीरिया आज टिली प्रोटिस्टा, छोटे से प्रोटिस्टा को या फिर बैक्टीरिया को क्या करेंगे, इंजेस्ट करेंगे। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन क्या, वाटर मूवमेंट इज फ्रेश वाटर, इन फ्रेश वाटर, वाटर मूवमेंट क्या होगी, इन फ्रेश वाटर सिलिएट्स इज कंट्रोल की जाएगी बाय स्पेशल खास किस्म के ऑर्गेनेल के जरिए से कॉल्ड कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, उसे हम किसका नाम देंगे, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, जिस तरह ये है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसमें वाटर मूवमेंट को क्या करने के लिए इस्तेमाल होगा, कंट्रोल करने के लिए क्या इस्तेमाल होगा, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। न्यूक्लाई की अगर हम बात करें, सिलिएट डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्रोटोजोन्स, डिफरेंट है दूसरे प्रोटोजोन्स इन हैविंग टू काइंड ऑफ न्यूक्लाई, दो किस्म के क्या रखते हैं, न्यूक्लाई रखते हैं, माइक्रो न्यूक्लाई आर डिप्लॉइड मे बी वन, माइक्रो न्यूक्लाई क्या होंगी, डिप्लॉइड होंगी और मे बी वन एक हो सकेंगी वो, और या मोर इन नंबर, या नंबर में क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। दे हैव रोल इन द सेक्सुअल प्रोसेस, इनका रोल क्या होगा, सेक्सुअल प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा। सिलिएट्स क्या है, मुख्तलिफ है दूसरे प्रोटोजोआ से, क्यों, क्योंकि दो किस्म के न्यूक्लाई रखते हैं, एक माइक्रो न्यूक्लाई जो कि एक होगा या तादाद में ज़्यादा होंगे, हैव अ रोल इन द सेक्सुअल प्रोसेस में, और जो बड़ा लार्ज पॉलीपेप्टाइड, बहुत सारे
न्यूक्लाई पर, मैक्रो न्यूक्लाई जो कंट्रोल कर रहा हो किसको, मेटाबॉलिज्म को एंड ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हुई, कंजुगेशन, मॉसिलियट्स आर कैपेबल ऑफ सेक्सुअल प्रोसेस इनमें मौजूद होगा जो कि बाद में किसके तरीके से होगा, कंजुगेशन के जरिए से, किसके जरिए, कंजुगेशन ड्यूरिंग दिस, इसके दौरान टू इंडिविजुअल दो जानदार एक्सचेंज करते हैं देयर जेनेटिक मटेरियल, अपने जेनेटिक मटेरियल का बाय ट्यूब, एक ट्यूब की तरह से जरिए से, विच इज कॉल्ड कंजुगेशन, इसे हम किसका नाम देंगे, कंजुगेशन। ये सीलिया में होगी, स्पेशल किस्म की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हैबिटेट दे आर ऑल एक्यूटिक, ये तमाम एक्यूटिक होंगे, दे मे बी फ्री, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और आयल सेम्बियोट्स या फिर क्या हो सकते हैं, सेम्बियोट्स भी हो सकते हैं, एग्जांपल पैरामीशियम एंड स्टेंटा, पैरामीशियम एंड स्टेंटा इनके क्या हैं एग्जांपल हैं। आज का हमारा ये छोटा सा टॉपिक था सिलिएट्स क्या थे, तो उस आज हमने ये टॉपिक डिस्कस किया सिलिएट, व्हाट आर सिलिएट्स, सिलिएट्स क्या हैं, एक्यूटिक जानदार है, यूनिसेलुलर है, फ्लेक्सिबल कवरिंग पर मुश्तमिल, पेनिकल कहेंगे ठीक है, बहुत सारे सीलिया पर मुश्तमिल है, लोकोमोशन सीलिया के जरिए से होगी, न्यूट्रिशन ये होगी किडनी प्रोटिस्टा के जरिए से, वाटर मूवमेंट क्या किसके जरिए से करेंगे, अपनी कंट्रोल करेंगे, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल न्यूक्लाई, दो न्यूक्लाई होते हैं, एक माइक्रो एक मैक्रो, माइक्रो सेक्शन में इन्वॉल्व होगा और मैक्रो जो होगा वो ग्रोथ में और इसमें मेटाबॉलिज्म में, कंजुगेशन किसके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके जरिए, कंजुगेशन के हैबिटेट एक्यूटिक है, एग्जांपल पैरामीशियम एंड स्टेंटा। उम्मीद है आप लोगों को आज के लेक्चर समझ आया होगा।